हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके लिए एक और मेरी पायोनियर की बेस्टी पर वीडियो लेकर आया हूँ। बिकॉज मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आप में से कोई नया है उसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी, तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने सारी चीज़ें तो कवर कर ली थी। सो मेन जो बेस था वही इतना क्लियर नहीं आ रहा था, तो लोगों ने मेरे को कंप्लेंट करी, DMs करे कि भाई तुमने मेन जो साउंड है वो तो अच्छे से सुनाया नहीं। सो आज मैं स्पेशली साउंड पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम फ्रंट सीट, रियर सीट्स, बूट खोल के, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बाकी लोगों को क्या है कि ये भी चाहिए रहता है कि यार कार यहाँ से पास हो रही है तो कितना बेस आएगा। सो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कार यहाँ से मूव हो रही है तो कितना बाहर बेस आता है, सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पायोनियर अपनी बेस ट्यूब ज़्यादातर ऑनलाइन बेचते नहीं है, बट फिर भी लोग सर्च करते हैं तो कभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक बताता है, कभी अवेलेबल बताता है। सो आज मैं आपको वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में मैं सारी सर्टिफाइड लिंक्स भी दे दूंगा, जिसमें मैं पायोनियर की आपको बेस ट्यूब की लिंक दे दूंगा। एंड साथ ही जिसका बजट पायोनियर का नहीं है, 9-10 हज़ार नहीं है, आप उनको इतने पैसे नहीं बिगाड़ने, तो कम पैसे में 5-6 थाउजेंड में हाइपरसोनिक या बाकी जो भी अच्छे ब्रांड्स वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ ही आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, शिवराज जाधव 777, आपको नीचे यूजर नेम दिख जाएगा। तो गाइस, साउंड सुनाने के पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार बेस ट्यूब का ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि मैं एक पिछली वीडियो बना ही चुका हूँ, आपको मैं बोलूँगा कि एक बार आप देख लीजिए, बिकॉज आपको सारे बेस ट्यूब से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैंने ये भी बताया उसमें कि आपके लिए सेडान के लिए कौन सी अच्छी रहेगी, SUVs के लिए कौन सी अच्छी रहेगी। और मैं इसके बारे में तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सेलेरियो के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें टोटल आप देखेंगे सेलेरियो या स्विफ्ट वगैरह जिनके पास है, इसमें 0, -, एंड +6 तक का रहता है, बट मैं +1 भी नहीं सुन पाता हूँ, पूरी गाड़ी बजने लग जाती है सीधी भाषा में बोले तो, बिकॉज मैं माइनस में ही चलने देता हूँ, वो इतना लाउड हो जाता है। एंड आप प्लस सुनोगे तो आपकी गाड़ी की भी वाट लगेगी, दूसरी चीज़ आपके कान भी ख़राब होंगे। एंड बहुत से कमेंट ये भी आ रहे थे कि यार आप डैम्पिंग कराना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डैम्पिंग इसलिए होती है कि साउंड गाड़ी का बाहर ना जाए, आपके केबिन में रहे। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि ये बेस ट्यूब इतनी ज़्यादा बड़ी है तो आप चाहे तो सिर्फ बूट में डैम्पिंग करा सकते हैं, आपको सारे डोर्स पर कराने की ज़रूरत नहीं। और मैं यही बोलूँगा कि आप कम पे सुनो, बिकॉज नहीं तो आपकी गाड़ी बहुत ही वाइब्रेट होने लग जाएगी। तो अब मैं आपको एक बार बेस ट्यूब का ओवरव्यू दे देता हूँ। इनबिल्ट एम्पलीफायर वाली बेस ट्यूब है पूरी, यहाँ से इसकी साइज़ 12 इंचेस है, आपको 8, 10 एंड 12 तीन साइज़ की मिलती है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हैचबैक के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये SUVs के लिए सही रहती है। एंड बूट आप देख सकते हो कि ये मतलब इसने पूरी बूट घेर ली है, मतलब और कहीं इतनी कोई खास स्पेस नहीं बची है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिन दिख रही है, ये पूरी रिमूवेबल है, तो अगर मेरे को कुछ भी काम रहता है मेरी बूट का तो मैं ये पिन पूरी हटा देता हूँ। एंड ये पूरी वायरिंग पहले से करी हुई है, तो मतलब पिन हटा के मैं पूरी निकाल के रख लेता हूँ, एंड जब काम रहता है तब लगा लेता हूँ। और जैसे कि कोई सोच रहे होंगे कि इसमें अगर वाइब्रेशंस जैसे कोई इशू आते चलाते टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये बेल्ट मिल जाता है। तो आप जब भी आफ्टर मार्केट लगवाने जाए ये चेक कर लेना कि आपको बेल्ट दे रहे हैं कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग रख लेते हैं। एंड गाइस, आप जिस भी शॉप से लेते हैं वहाँ एक बार रिटेलर या आपका जो भी शॉपकीपर है उससे पूछ लेना कि आपके यहाँ आसपास कहाँ पर है सर्विस सेंटर, बिकॉज मैंने ली थी तो इसमें क्या रहता है, बाकी हाइपरसोनिक वगैरह है आप कौन सी ऑनलाइन लेंगे तो उसमें आपको रिप्लेसमेंट गारंटी रहती है, बट इसमें आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो आपको नंबर आप ले सकते हैं। हम सबसे पहले मैं फ्रंट सीट पर आपको साउंड सुनाने वाला हूँ, तो अभी सारे ग्लासेस बंद कर लेते हैं पहले, सो क्या केबिन का आपको पूरा अच्छे से नॉइस पता लग जाएगा। सो मैं साउंड, तो अभी आप देख सकते हैं साउंड हम अभी 20 रखते हैं एंड बेस रखेंगे +2। आप देख सकते हैं -6 कर रहा हूं मैं, फिर भी कितना आता है, मतलब अभी मैंने साउंड फुल करा ही नहीं है। 15 साउंड में -6 में भी बहुत आ जाता है, अब एक बार फुल करके देखते हैं। You are.
सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया, मैं रियर सीट्स पे आ गया हूँ एंड मैंने आपको फ्रंट सीट का साउंड तो सुना ही दिया है। और ये आप माइक देख सकते हैं, बोया का माइक है। मैंने आपको सबसे पहले जो आप रिकॉर्डिंग सुनने को मिली आपको, वो मैंने पहले जो फ़ोन के ओरिजिनल स्पीकर्स है मैंने उससे सुनाई एंड देन फिर आपको जहाँ बेस थोड़ा फटता हुआ, मतलब थोड़ा ज़्यादा बेस सुनाई आएगा, वो मैंने वहाँ स्पीकर यूज़ करा था। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे इतना आउटपुट नहीं आता जितना पीछे रियर पैसेंजर्स को आता है, बिकॉज़ अगर बेस बढ़ा देते तो रियर पैसेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा साउंड आता है। सो अब हम देखते हैं रियर सीट्स का साउंड। तो मैं आपको इसकी बूट खोलकर साउंड बताने वाला हूँ। हालांकि देखो यार, स्पीकर में पूरा साउंड फटेगा ही, तो मैं फिर भी आपको स्पीकर माइक में पूरा बेस आपको इतना क्लियर नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बेस ट्यूब से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। और आज की वीडियो का मोटिव भी यही था कि आपको साउंड अच्छे से सुना पाऊँ मैं, फ्रंट सीट्स का, रियर सीट्स का, देन बेस ट्यूब पीछे से मेन बेस एंड कार पास होते हुए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। आपने हेडफोन यूज़ करके भी आप एक बार सुन लीजिए, बिकॉज क्या है, फ़ोन के स्पीकर इतना क्लियर नहीं आ रहा था एंड जो मेरा माइक है उसमें बेस ज़्यादा फट रहा था। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं अच्छे से इसका साउंड सुना पाऊँ, कि आप कोई भी अगर लेने जा रहा हो तो उसको पहले इस वीडियो से पूरा पता लग जाए कि यार मतलब कैसा इसका साउंड होने वाला है। सो गाइस, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहता हूँ। एंड सब्सक्राइब के बटन के पास आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए तो मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी।